नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये वीडियो मैं बनाया हूं मिस्टर अमित शाह जी के लिए। अमित शाह जी ने मेरे वेबसाइट iptindia.com से परचेज किया है पेन ड्राइव को, तो अमित जी के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप लोग भी देखेंगे हमारी जो पेन ड्राइव है उसमें किस किस तरह के मटेरियल है और कितने वीडियोज हैं और कैसे देखे जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव परचेज करने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे बाय पेन ड्राइव पे जाएंगे, तो यहाँ से आप पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। तो अमित जी ने जो पेन ड्राइव परचेज किया है कंप्लीट MIS का परचेज किया है। तो देखिए, जैसे आप परचेज करते हैं सबसे पहले आपको उसकी शेयरिंग लिंक मिल जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयरिंग लिंक शेयर कर दिया है। तो ये है एक्सेल 2016-19 का वर्जन है, इसको हमने शेयर किया है। तो ये बेसिकली फाइल मेनू बार के अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे उसके हिसाब से मैंने बना रखे हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के फोल्डर्स हैं, जैसे मेनू बार से स्टार्ट होता है ना हमारा एक्सेल। तो आप अमित जी, आप क्या करेंगे कि फाइल मेनू बार पे जाएंगे और यहाँ पे आप जो है अपनी वीडियोज 1 देखेंगे, इससे रिलेटेड फाइल आपकी है। दूसरी आपका ये 2 है, 2 से रिलेटेड। देखिए सब वीडियो की फाइल लेंगे, क्योंकि 2 जो है ये थ्योरी क्लासेस है जिसमें फाइल की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4, 5 इस तरह से इसकी जो क्लासेस है, क्लासेस की फाइल है, ये सारे इसमें मेंशन है। इसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आप इसको देख सकते हैं, और जितना मर्जी बार उतना बार इसको देख सकते हैं, जितना मर्जी बार डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी PC पे इसको रन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। और साथ में इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो मैंने अपने हिसाब से तो ऐड किया हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको लगता है कि हाँ कुछ नया चीज़ होना चाहिए था इसमें, और कुछ नया होना चाहिए था, या कुछ और टॉपिक जो है वो मिस हो गई है, तो आप मुझे मेल कीजिएगा, हम वो टॉपिक आपके साथ बना देंगे। तो एक तो आपको 2 ड्राइव मिलेगी, एक तो गूगल ड्राइव मिलेगी जिसमें हमने एक्सेल 2016-19 का डाल रखा है एक्सेल के फीचर्स। अब इसमें एक और ड्राइव जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक 2 ड्राइव और ही है, ये पुराने वीडियोज है। जी हाँ, ये 2007 और 2013 पे बना हुआ है। अब क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एक्सेल 2016 ना हो, तो उनके लिए बना हुआ ये है कि ये 2 वीडियो ले सकते हैं। उसके बाद ये VVA है और ये VVA की सपोर्टिंग है, तो चलिए ये भी आपको हम शेयर कर देते हैं। तो हमने शेयर कर दिया, तो 2 फोल्डर में जो वीडियोज आपके हैं ये पुराने वीडियोज हैं एक्सेल के, तो ये भी इसको भी ये देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ओल्ड वर्जन पे बना हुआ वीडियो है। और दूसरा ये आपका 13-16 पे बना हुआ वीडियोज है, ये भी पुराना वीडियोज है, तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। हाँ, इसमें 2000 ये VVA जो है, अब VVA को भी पुराना नहीं होता, इसमें 2 फोल्डर है, एक में तो पूरा सिक्वेंस में VVA दिया गया है पूरे यहाँ से, और दूसरा इसमें जो है VVA ऑटोमेशंस है, तो इसमें देखेंगे कि ये ऑटोमेशंस में प्रोजेक्ट्स है, तो ये आपको नया पुराना दोनों मिक्सअप है। इसमें आप देखेंगे कि इसके साथ इसके फाइल्स भी आपको दिख रहे होंगे, तो सारे फाइल्स इसमें अवेलेबल है, आप देखेंगे इसमें, तो ये आपको यहाँ में मिलेगा। उसके बाद DX3 में जाते हैं, तो DX3 में मिक्सअप है, जैसे कि डैशबोर्ड एक्सेल और VVA पे बने हुए कुछ डैशबोर्ड्स के सैंपल्स आप यहाँ देख रहे होंगे, तो डैशबोर्ड्स की पार्ट है यहाँ पे जो MIS में होना चाहिए। दूसरा इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो है बहुत सारे वीडियोज आप देख रहे होंगे, जो कि इसमें है फाइनेंस और फाइनेंशियल फार्मूला, यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल फार्मूला से रिलेटेड वीडियोज है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में काम आती है, वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा इसमें आप MS Access की पार्ट देखेंगे, तो इसमें MS Access की बहुत सारे वीडियोज इसमें देखेंगे, अलग अलग टेबल्स में और बहुत सारे बने हुए वीडियोज आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि MS Access से रिलेटेड वीडियोज हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद सम पार्ट ऑफ द SQL सर्वर है, उतना ही है जितना लोगों की जरूरत पड़ती है, इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है।
तो इसको आप डाउनलोड करके आप अपने पीसी में सेव कर सकते हैं, अलग अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो कहीं क्या जहां मर्जी वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो अमित जी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसका इस ड्राइव को इस्तेमाल करेंगे, और साथ में बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग भी अगर पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो iptindia.com पे जाके पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, और इस पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हुई, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर आप पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं या हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू।